हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीति बजाज। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कैसे करेंगे। और एक लेम में ऑर्डर प्लेस करने की वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको बताया है कि हम अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट करना बताऊँगी। तो जैसे आप फोर्थ पेज पे वहाँ पे आपने डेबिट कार्ड सेलेक्ट करा था, लेकिन अब आपको यहाँ पे यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट करना है, तो फोर्थ पेज पे आपको यूपीआई सेलेक्ट कर लेना है। फोर्थ पेज पे यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद फिफ्थ पेज पे आके आप जब पे क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास ऐसा करके आएगा कि आपका ऑर्डर पेंडिंग में है। ओके, फिर आपको पे क्लिक कर देना है, फिर अगेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूपीआई आपको शो हो रहा है, उसके आगे एक एरो है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 6 बॉक्स यहाँ पे नज़र आएंगे। भीम पे है, फ़ोन पे है, जी पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, अदर यूपीआई। तो अभी आपको जी पे से करना है, तो मैं जी पे यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। जो भी पेमेंट जो भी मेथड आपको यूज करना है यूपीआई का, उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अभी मैं आपको जी पे से बता रही हूँ। तो जी पे हमने सेलेक्ट करा और नीचे एंटर योर यूपीआई आईडी, यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी फिल कर लेनी है, जो भी आपकी यूपीआई आईडी है। अगर आपको अपनी यूपीआई आईडी नहीं पता है तो अपना आप जी पे अकाउंट आप खोलिएगा, वहाँ पर आपको आपकी यूपीआई आईडी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एट द रेट जो से आगे जो भी आपका बैंक उसमें लिखा हुआ है, उसको आपको यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में सिलेक्ट करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके जी पे पे एक मैसेज आएगा, उसको आपको क्लिक करके वहाँ पे करना है। अब मैं अपना जी पे खोलती हूँ। ये मैंने अपना जी पे खोला है। यहाँ आपको दिख रहा है बिजनेस एंड बिल्स में सबसे पहला वाला सी एवेन्यू पे हमने क्लिक करा। अब नीचे ये बोल रहा है पे, तो हमने इसको पे को करना है, पे पे क्लिक करना है। फिर सेंड रुपीज़ 1161 रुपीज़ टू सी एवेन्यूज़ पे क्लिक करना है। अपनी हमें यूपीआई यहाँ पे पिन ऐड कर डालनी है। अभी प्रोसेसिंग में दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर के बाद ये यू पेड, यानी कि हमारा पेमेंट हो गया है। इस तरीके से आप अपना इजीली जीपे से अपना पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।